साइंस पोडियम, मैं सोनिया सांगवान। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें ऑलरेडी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा है एंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। यहाँ हम शुरू करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स और मे बी डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स और मे बी अदर प्लांट और मे बी ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब हम टाइप देखते हैं तो टाइप्स की हम यहां पर बात करते हैं, इट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहां भी हमने क्या देखा, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तीन तरीके का हमने यहां पर मेंशन किया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है दैट टेक एन सॉलिड फूड, इंगल्फ सॉलिड फूड, उसके बाद फर्दर उसका डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक में क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स टेक और यू कैन से इनटेक सॉलिड फूड विच फर्दर गेट डाइजेस्टेड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, मीन्स उसको रहने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए, उसी के ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है। एंड द पैरासाइट मे बी एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की आउटर सरफेस पर सर्वाइव करता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोपैरासाइट, उसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं, दे डिपेंड्स ऑन होस्ट बॉडी फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, होस्ट बॉडी पर डिपेंड करेंगे। अगर वो आउटर सरफेस पर है तो उनको बोलेंगे एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट क्या है, दीज आर द पैरासाइट सर्वाइव ऑन होस्ट बॉडी बट ऑन द आउटर सरफेस, डिपेंड्स ऑन होस्ट बॉडी एंड फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी।
भी पैरासाइट होता है वो डिपेंड तो होस्ट बॉडी पर पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसके आउटर सरफेस पर है तो दैट मीन्स एक्सो पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल कस्कटा, कस्कटा अमरबेल जिसको हम बोलते हैं, लाइस बोल सकते हैं, टिक बोल सकते हैं, ऑल दीज आर एक्सो पैरासाइट। तो इसके बाद यहाँ पर अभी हम पहले एंडोसर पैरासाइट देखते हैं, देन वी विल गो विद सेप्रोफाइट। यहाँ पर हम एंडो पैरासाइट लिख रहे हैं, एंडो पैरासाइट। तो एंडो पैरासाइट क्या है? फाउंड ऑन या फाउंड इनसाइड द होस्ट बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी, और यू कैन से सर्वाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म्स आप लिख सकते हो, लीवर फ्लूक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडो पैरासाइट। थर्ड कैटेगरी वाज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होंगे दे विल डिपेंड ऑन डेड एंड डिके, मींस ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ऑन डेड एंड डिके बोल सकते हैं। गली सड़ी चीजों पर सर्वाइव करेंगे, डेड बॉडी होगी उसको कंप्लीटली फिनिश करेंगे कि वो उसी पर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? दे मे बी बैक्टीरिया, मे बी फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन और विच सर्वाइव्स ऑन डेड एंड डिके मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ हमने कभी क्या देखा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। तीन इसकी टाइप हमने देखी, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड विच गेट फर्दर डाइजेस्ट, जिसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ह्यूमन लिख सकते हैं, डॉग कैट रैट, जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए उसको आप बोल सकते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है होस्ट बॉडी के ऊपर, एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म में भी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से टाइप पॉसिबल है। उसके बाद हमने देखा पैरासाइट जो होते हैं अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं तो मींस एंडो पैरासाइट, अगर वो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर सर्वाइव कर रहे हैं तो दीज विल बी कॉल्ड एक्सो पैरासाइट। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिके मैटर पर सर्वाइव करता है। अभी देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी पॉसिबल है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अभी हमने बताया दे टेक द सॉलिड फूड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हो सकते हैं? दे मे बी हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होंगे? जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, मींस दे डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, और यू कैन से जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, घास फूस ये सारी चीजें खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काओ, डियर एटसेट्रा। कार्निवोर कौन होते हैं? जो कि जिनको हम मांसाहारी बोलते हैं, ईट फ्लैश एंड मीट,
फ्लैश और मीट के ऊपर जो सर्वाइव करते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसको आप बोल सकते हो जो कार्निवोर होता है? लायन को हम बोल सकते हैं, वॉल्फ को बोल सकते हैं। सो दीज आर कार्निवोर। एक्चुअली दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होते हैं? जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन मीट और फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होंगे? दे मे ईट प्लांट्स और मीट एज वेल। इसमें कौन आ सकता है? ह्यूमन जो होते हैं बेटा वो दोनों की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स दे मे बी हर्बीवोर, दे मे बी हर्बीवोर एंड कार्निवोर, मे बी हर्बीवोर और कार्निवोर, वो दोनों हो सकते हैं। तो यहां एग्जाम्पल में हम ह्यूमन का लिख सकते हैं। इसके अलावा जो डॉग है वो भी पॉसिबल है, डॉग को भी बेटा वो मीट भी खिला सकते हैं। एंड दैट में डिपेंड्स ऑन नॉर्मल राइस चपातीज एंड ऑल। तो ह्यूमन डॉग इस तरीके के, देर आर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑन द मीट और फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, फर्दर इसके टाइप These organism, holozoic nutritional वाले जो organism है, they may be herbivore, carnivore and omnivore. तो ये अभी हमने heterotrophic nutrition के बारे में देखा। इसके बाद हम अगला topic शुरू करेंगे next lecture में। Till then पढ़ते रहिए। Bye bye, see you in the next lecture.